तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, मेहनत सी ज्यादा लग रही है। ये लॉट तो हमारे काम आएगा, अगर बारिश मिली तो इसे उठा के ले चलेगी अभी। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि यार कल ना प्लान बना लिया था हमारे अमर भाई ने कि हमें कल कहाँ जाना था, भूल गया यार मैं तो। हमें करना है नैना पीक का ट्रैक जो कि 4 किलोमीटर पैदल ट्रैक हमें करना है। अभी हम नैनीताल से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं, नैनीताल इज 10 किलोमीटर फार फ्रॉम है। आधा घंटा पहुँचने में लगेगा और उसके बाद 4 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना है। तो आज हमारा भाई आकाश है, बस मतलब कि मेरा जो इतने टाइम से कि मेरा मन था कि यार हम ट्रैकिंग करेंगे इस तरीके से जो भी कुछ करेंगे वो है ना कभी मतलब हो नहीं पाया। अब वैसे ही कल अमर भाई ने हमसे कहा कि यार आकाश चलना है, मैंने भैया बस कंफर्म कर दूं कि मुझे चलना है। तो अभी हम एक पॉइंट पे रुका हुए ब्रेकफास्ट करते हैं और सुबह वैसे हम 6 बजे से निकले हुए हैं, आराम आराम से आते, थोड़ा सा टाइम हो गया। कितना टाइम हो गया अमर भाई वैसे अभी? अभी ऑलमोस्ट 3 आवर्स हो चुके हैं क्योंकि आराम आराम से आ रहे हैं। हाँ तो बाकी हमने ब्रेकफास्ट मंगा लिया है और ब्रेकफास्ट करने के बाद में उसके बाद फिर हम और ऊपर चलेंगे। तो ब्रेकफास्ट में अभी हमने ब्रेड ऑमलेट है और चाय है और बाकी पास अभी चल रहा। तो आज की ट्रिप है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और वैसे भी आज हम स्टे करने वाले, बाकी जितनी बार भी आए ना तो हमेशा बस एक ही सीन किया है कि सुबह गए और शाम को वापस, पर आज अमर भाई के साथ आया ना तो कुछ अलग ही सीन बनने वाला है। अमर भाई ने बस कह दिया कि तू आज मेरे साथ आया तो कुछ अलग ही सीन है। तो भाई मैं भी कुछ अच्छी तरीके से सोच रहा हूँ और कुछ अच्छा बना लेंगे और बाकी भैया वेट कर रहे हैं तो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। शाम सुबह मिलते नहीं खालिद है पर दिलचस्प भी। तो फाइनली ब्रेकफास्ट जो है कंप्लीट हो चुका है और अब बस ऊपर की साइड जाना है। ब्रेकफास्ट एंड वी आर गोइंग टू नैनीताल। तो अमर भाई ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले ब्रेकफास्ट करते करते बताया कि भाई वहाँ तेरा बैग वैग भारी तो नहीं है। मैंने बैग वैग भारी नहीं है, बैग हल्का। कह रहे तू चलेगा ना तो कम से कम हालत बेकार हो जाएगी। मैंने हम इतने एनर्जी है कि हम हंसते खेलते ब्लॉगिंग करते करते पहुँच जाएंगे। और बाकी वहाँ का जो व्यू है ना भाई कुछ अल्टीमेट सा है, कुछ इस बार नया कर लेंगे। और काफ़ी टाइम से हमने कुछ ब्लॉग भी नहीं बनाया था तो ये अमर भाई की वजह से हमें एक ब्लॉग भी मिल चुका है। वैसे जानते हैं कि नैनीताल बहुत हो चुका है पर इस बार नैनीताल में कुछ अलग दिखाएंगे हम। नैनीताल हम जो जा रहे हैं वो नैना पीक के ट्रैक के लिए जा रहे हैं। तो हमारा मेन मोटिव ट्रैक करने का ही है केवल नैनीताल बस। तो हम ये ट्रैक करते हैं और चलते हैं, फिर उसके बाद में दिखाते कुछ नज़ारे पहले। आसिम नहीं जाकिर करे वो जाहिर नहीं, आकिल हूँ मैं आसिम नहीं। सुबह पूछे रात शाम क्या हसी, शाम पूछे रात सुबह क्या नहीं। तो अभी हमारे थे अपने अमर भाई बताया कि यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है बहुत सुंदर। तो अमर भाई उधर चलते हैं ना बिल्कुल नीचे वाले पे। चलो 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 भाई सही से नीचे देख के चलो। भाई तो व्यू के चक्कर में कभी नीचे गिरते हुए जाएं हम पूरे। भाई सामने का जो व्यू है बस उस पत्थर तक हमें पहुंचना है और उसके बाद जो आपको व्यू मिलेगा ना वो अल्टीमेट। कभी मैंने इतनी बार हम आए और कभी भी हमने ये चीज़ तो कभी देखी नहीं, पर आज हमारे अमर भाई ने बता दिया कि भाई तुझे हर चीज़ दिखा देंगे आज। चलते रहो अभी तो बहुत सारे पॉइंट हैं। वैसे कैमरे में इतना सही तरीके से व्यू आ नहीं पा रहा है पर जो भी है बहुत शानदार है और नीचे की साइड में देख ही रहे होगे लेक है। लेके जा मेरी जा मैं करूंगा भी क्या दिल दा सौदा इन्ना सस्ता दस और केड़ी हट विच पावांगा मैं मोल ना घटावांगा मैं तोल ना करावांगा मैं सौदा लेके जावांगा मैं जग नू बतावांगा मैं तैनू घर अपना बनावांगा।
फाइनली यहाँ का जो जितना शूट था भाई वो पूरा निपटा लिया हमने और काफी अच्छी अच्छी रीले बनाई है, कुछ अल्टीमेट सी आज मजा आ गया। पर यहाँ की लोकेशन देख के तो और मजा आ गया, और पीछे का जो व्यू है और समथिंग, ये वाला जो व्यू है कुछ एक अनलिमिटेड वाली है, और मौसम भी इतना सेक्सी हो गया ना कि कुछ कहने का नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। अमर भाई ने, अमर भाई के साथ आने के बाद में बस एक फ़ायदा ये मिला कि अमर भाई के यहाँ को ना यहाँ के सारे व्यू पॉइंट पता है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें, मतलब इन रास्तों से हम रेगुलर ही गए होंगे पर ये ऐसे व्यू पॉइंट नहीं कभी नहीं देखे, तो आज फाइनली सब चीज़ें बहुत मस्त तरीके से अमर भाई ने करा दी। तो अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी आप देख सकते हैं जहाँ पर हमें वहाँ पर बादल हैं और वहाँ सामने अगर आप देखेंगे तो वहाँ धूप है, ये अब फेस तो हमारे धूप एकदम सही है, इसी को बोलते हैं उत्तराखंड। तो अब हम चलते हैं, ट्रैक करना है, काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो भाई और बहुत मज़ा आ रहा है। एपिफिल्स, तो अभी बस हम ऊपर की साइड पहुंचने वाले हैं, मतलब पहुंचने वाले कि आप ट्रैकिंग करेंगे, और उससे पहले हमें कुछ सामान लेना है खाने के लिए क्योंकि एक पिकनिक वाला फील भी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फाइनली हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं और अब यहां से हम अपनी ट्रैकिंग चालू करेंगे। वैसे अमर भाई हमें कितना ऊपर तक जाना है? अभी 4 किलोमीटर ऊपर जाना है, कम से कम 2 घंटे से 2.5 घंटे लगने वाले हैं क्योंकि ट्रैक ट्रैक बिल्कुल भाई ऐसा है। तो ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है और रास्ता जो ऊबर खाबर है बहुत बुरी तरीके का, बस डर ये लग रहा है कि नीचे हमें किसी ने बताया कि ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, और अमर भाई हमसे कह रहे हैं कि भाई जब बर्फ़ पड़ी हुई है ना तो स्लिप बहुत होते हैं, और मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो पैंट हम पहन के आए खाली वही है, और भाई ये गंदी हो गई ना। तो बस मत पूछो, और मैं दिखा देता हूँ आपको, ये ऊपर का रास्ता बिल्कुल खड़ा वाला है अल्टीमेट, और फिर उसके बाद में हमने शाम तक यहाँ पे समय बिताने का सोचा है, और जो ट्रैवल कहते हैं ना भाई, असली ट्रैवल इसी को कहते हैं, बस ऐसा है, और बस ऊपर चलते जाना है। हाँ भाई, कुछ भोले बाबा की याद आ गई, बस वहाँ से इतना लंबा सफ़र तय करके आ चुके हैं और अमर भाई की हालात कुछ ऐसे, ऑल गुड ऑल गुड, मेन तो आगे जाके पता चलेगा हमें। ये अच्छा है कि स्नो नहीं है, वरना यहाँ तक स्नो दिख गया था पिछली बार, यहाँ ना चलते अच्छा, यहीं बैठे थे तो मुझे लग रहा ऊपर भी नहीं होगा। तो अगर आपको सामने का ये पेड़ दिखाई दे रहा होगा ना गिरा हुआ, तो एक अलग ही फील आ रहा होगा कि हमें दो जनों को एक जंगल के अंदर छोड़ दिया है, कि इस जंगल में और घुसे जा रहे हैं क्योंकि हम एक मंजिल की तलाश कर रहे हैं। तो सामने का जो है वो है हिमालय, वैसे पूरा साफ दिखता है पर अभी आज बादल है, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपके लिए एक सरप्राइज था आता हुए और आपको सामने दिखाई दे रही होगी, तो भाई आप यहाँ पे पूरे में बर्फ ही बर्फ, अल्टीमेट वाली फीलिंग आ गई, अरे यार हम फिसलेंगे यहाँ से तो बहुत, कितनी बर्फ है, पैर हमारे स्लिप होना चालू हो गए, और अमर भाई तो भाई चलने में लगे बड़ा है, चलते रहो। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, आज हमारी किस्मत इतनी अच्छी है ना जाने कितनी अच्छी, जब हम थोड़ा सा और ऊपर आए तो हमें पता है क्या मिलता है, हमें नीचे बारिश मिली, थोड़ा ऊपर आने के बाद में भाई स्नोफॉल होना स्टार्ट हो गया, और ये आवाज आपको आ रही हो तो भाई बर्फ गिरनी चालू हो गई है हल्की हल्की तरीके से, हो सकता है ये ज्यादा और भी बढ़ सकती है पर किस्मत काफी अच्छी है आज हमारी। तो सीन जो है, अरे यार वैसे थकावट इतनी नहीं है, बस थोड़ी सी
मेहनत सी ज़्यादा लग रही है चलने की नहीं है, पर फिर भी ये जब जब बर्फ़ वाला सीन आ रहा है ना, आप देखो जब जब ये बर्फ़ वाला सीन आ रहा है, बस एक अंदर से एक वो आ जाती है कि हाँ चलो। और वैसे मैं दिखा दूँ, किसी का छाता उड़ गया है यहाँ पे, हमारे काम आने वाला है लौट पे। ये लौट तो हमारे काम आएगा, अगर बारिश मिली तो इसे उठा के ले चलेगी, अभी चादर ऊपर वैसे तो कर ही लेंगे। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये कैंटीन है, कि मतलब कि आप जब मेन ऊपर आ जाते हो, कम से कम अभी यहाँ से भी 1 किलोमीटर है जानेंगे हम। और भाई बहुत ज़्यादा, मतलब जब से हम चढ़े थे थोड़ा थोड़ा सा खाली हमने रेस्ट मारा है, वरना तो बिल्कुल नहीं। और अब मैगी ऑर्डर करिए, अमर भाई बैठा हुए और मौसम काफ़ी खूबसूरत है, तो मैगी वैगी जब तक आती है तो सोचा क्यों ना आपसे थोड़ी देर हम बात ही कर लेते हैं। अब मैंने काफ़ी दिन से, वन मिनट, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस तरीके से ट्रैकिंग करूँगा, कैंपिंग होगी, समथिंग ऐसी कुछ चीज़ें मैंने सोची नहीं थी, पर अब से राइडिंग करेंगे पर लोकेशन नहीं घूमेंगे, उस लोकेशन की मेन जड़ तक जाया करेंगे भाई। अगर आपको इस पहाड़ी के बारे में या इस पॉइंट के बारे में जानना है तो वो हमारे अमर भाई बताएंगे, और मेन और ये जो आप मंदिर देख रहे हो और इसके बारे में भी अमर भाई बताएंगे। और जो कोहरा है ना वो काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। अमर भाई पहले ये बताओ मुझे कि इस क्या ये मंदिर और ये समथिंग सब चीज़ें ये बता दो बस, ये कैसे कैसे क्या वो हुआ था। इसका नाम पहले नैना पीक था, अभी भी नैना पीक बोलते हैं इसे, बट यहाँ पर चीना बाबा थे जो तपस्या करते थे यहाँ पर, काफ़ी टाइम तक उन्होंने यहाँ पर तपस्या की और लोग आके उनके दर्शन करते थे, तो तब से इसका नाम चाइना पीक पड़ गया। जो इसका ओल्ड नेम है वो है नैना पीक, इसका ओल्ड नेम नैना पीक है, बट अब भी ये नैना पीक के नाम से भी जाना जाता है, चाइना पीक के नाम से भी जाना जाता है। ये चीना बाबा का मंदिर है और लेक व्यू जो मिलेगा उधर से मिलेगा, पर मैगी खाएंगे उसके बाद। और प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि भाई बादल जो है ना, आप देख सकते हो कि कितना कोहरा ऊपर तक बढ़ा हुआ है, और इसकी वजह से मुझे लगता है कि हम जो व्यू देखने के लिए इतनी मेहनत करके आए थे वो व्यू हम देख नहीं पाएंगे, पर कोई नहीं, अभी जो कोहरा है बहुत ज़्यादा है। तो मैगी आ चुकी है, अमर भाई ने खानी चालू कर दिया, मैंने सोचा जब तक थोड़ा सा एक ब्लॉग भी बना लेते हैं और खाते हैं फिर। मैगी वैगी सब कुछ खा लिया, अब दोबारा से भाई हम अपनी मंजिल की तरफ वो निकल चुके हैं। मंजिल का रास्ता तो है काफी खूबसूरत, और आगे जाके देखते हैं क्या होता है। अब दोबारा से इन पहाड़ियों में चलना है। तो बस थोड़ी सी देर में हमें अपना एक व्यू जिसके लिए हम इतनी मेहनत करके आए हैं तो भैया वो मिलने वाला है, और मौसम भी थोड़ा सा साफ हो गया, धूप धूप थोड़ी सी निकल के आ गई, और बस चले जा रहे हैं। हाय हाय, जब ये फेस पे अचानक से पता है धूप सी पड़ रही है ना, एक ऐसा सुकून सा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर जो है थोड़ा सा तो कम है, और हमने ज़्यादा कुछ पहना भी नहीं, क्योंकि जब हम ऊपर चढ़ रहे थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी सी हीटिंग सी होनी चालू हो गई थी, तो उतार दिया। और भाई अब तो पूछा ही बात, तो ये है सामने वो जिसके लिए हम इतनी मेहनत करके चढ़ के आए हैं। ओ भाई तो हमारे साथ एक धोखा हो गया यार पहुँचने के बाद में, मतलब कि हमने सोचा था कि यार वैसे ही मौसम खुलेगा और यहाँ से जो एक वो व्यू दिखता है बड़ा अल्टीमेट होगा, पर भाई बादल जो है ना इतने ज़्यादा हाई हो रखे हैं अभी, ऊपर कोहरा बोरा सब बुरा हाल है, धूप भी अब जाके थोड़ी सी निकली है, पर फिर भी कोशिश कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं क्या होता है। अमर भाई भी साइड पे खड़े हुए, सामने से बादल उड़ तो रहे हैं, पर भैया यू चाहिए हमें। तो
तो जब तक कोशिश करी जा रही है तब तक बादल नहीं हटते हैं, तो कम से कम एक घंटा रुकना पड़ेगा, दो घंटे, पर देख के हम फिर जाएंगे। ठान लिया भाई, तो कम से कम हमको यहाँ पे एक घंटा तो हो गया होगा, और अब भी इंतजार करते करते ये बादल हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, और बड़ा बुरा सा लग रहा है कि इतनी दूर आने के बावजूद और उसके बाद वो पॉइंट नहीं देख पा रहे हम। इतना वेट करने के बावजूद भी भाई हम जो चीज देखना चाहते थे वो नहीं देख पाए। अमर भाई का भी मुंह लास्ट हो गया, मूड पूरा खराब हो गया भाई यहाँ पे आके, मतलब कि इतनी ऊपर ट्रैकिंग करके और ये वो सब कुछ, बस ये मौसम थोड़ा सा साफ हो जाता तो और मज़ा आता, पर कोई नहीं, अगली बार आएंगे दोबारा करेंगे। और अब हम नीचे की साइड में चल रहे हैं बस, और बाकी अब नीचे जाके मिलते हैं।